क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी जो आपकी पावर होती है हाईएस्ट पावर आपकी 2 होती है, ठीक है, और ये आपका इक्वल्स टू 0 होता है। आपको क्या करना है, जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या आपका 1 है, और सी जो आपका कॉन्स्टेंट होगा वो आपका क्या है 10, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास क्या है 10। 10 के आपको क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं, 2 5 10, 5 5 1। अब हमने 5 और 2 के ऐसे फैक्टर ऐसे इसको ऑपरेट करना है कि आपका प्लस माइनस करके आपके पास क्या आए 7x आए। अब ध्यान से देखिए 5 प्लस 2 क्या होता है हमारे पास 7 होता है, 5 प्लस 2 7 बीच वाला टर्म, और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है हमारे पास 10 होता है। हमने ऐसे फैक्टर्स लेने होते हैं प्लस माइनस करके बीच वाली डिजिट आए और मल्टीप्लाई करके जो हमारा कोफिशिएंट और कोस्टेंट को मल्टीप्लाई करके आया था 10 होगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर 7x देगा 5x प्लस 2x प्लस में 10 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास x, तो ये आ जाएगा x प्लस 5। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 2 इंटू 5 लिखिए, इसके पास क्या आ रहा है 2 4, क्या आ गया x प्लस में, ठीक है। इसके बाद आप देखिए x प्लस 5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 को बाहर निकालिए, यहाँ क्या रह गया x और यहाँ पे क्या रह गया 2। ये तो हमारे क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब क्या होगा, इक्वल्स टू 0 था, एक बार x प्लस 5 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 5, एक बार आपके पास 2 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2। थैंक यू।